वो हमारी साइड तो खैर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खाली मार्केट साइड में था ऐसा रिक्स, तो वहाँ पर उस साइड में तो बच्चों को खैर बहुत दिक्कत हो रही है, खाना वाने भी नहीं मिल पा रहा बच्चों को खार की साइड में, लेकिन हमारी साइड डर तो लगता होगा कि जब डर तो लगता था कि कभी कुछ इनसाइड नहीं हो जाए। दिवेश एक ही था जहाँ पर जो आप जो खेल रहे तो आसमान में जो जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हो रही है लगातार, तो कैसा माहौल रहता था ना हॉस्टल में? तो बच्चे तो डरते थे, काफ़ी डर लगता था, लेकिन आवाज़ें बमबारी वगैरह की कुछ ऐसा रहता है? बमबारी की आवाज़ कोई हमारी साइड नहीं। अच्छा आज कितने लोग आए हैं आपके साथ वहाँ के? 240। अच्छा यहाँ संबल क्षेत्र के कितने लोग हैं? संबल क्षेत्र के हम चार लोग। कार में जो आए हो आप? चार लोग, एक हम पांच लोग आए, एक रामपुर के थे। अच्छा, और एक चार संबल के। संबल अब क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से आप भारत लौटे हैं? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बुला लिया। जैसे थैंक यू। फिरोज, आप जो यूक्रेन से जो लौटे हैं, रशिया का लगातार अटैक वहाँ पर जारी है, तो कैसा माहौल था वहाँ का, क्या हालात थी? सर हालात जो हैं कीव में ज़्यादा ख़राब हैं। हमारा जो मतलब विश्वविद्यालय है वो कीव से 1000 किलोमीटर समथिंग दूर है, जिसकी वजह से हालात हमारे यहाँ बहुत सेफ थे, और हमारा जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आगे के बढ़ते हुए हालात को देखते हुए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से संपर्क किया और इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया, जिसकी वजह से हमें वहाँ से हंगरी बॉर्डर पर लाया गया। हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा के बुदापेस्ट एयरपोर्ट के द्वारा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में छोड़ा गया, जिसकी वजह से हम जैसे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी के बहुत बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं हंगरी गवर्नमेंट का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट से इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर हमें अपने वतन तक पहुँचाया, अपने माता पिता से मिलवाया, और फिर हमें न्यू दिल्ली से यहाँ तक लाने में राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनके लिए भी आर्थिक धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह पर आवाज नहीं आती थी, हालात जो है खारकीव एंड कीव में ज्यादा खराब है, लेकिन वहाँ डर तो लगता होगा। कितने दिन वहाँ पे हॉस्टल में रहे थे आप? सर मैं समथिंग 3 महीने। अब जो हालात खराब हुए थे उस दरमियान में क्या दिन काटे आपने? 2 दिन 3 दिन? अभी लास्ट अटैक से तीन चार दिन इतने ही हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और हम खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? सर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो।